इस वक्त मैं लोकसभा का सदस्य था और उस समय के तत्कालीन आज के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हम दोनों ने बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी के संदर्भ में उनके सामने बात रखी और उस समय के मंत्री जो तेल मंत्री थे मुरली देवड़ा जी ने स्पष्ट मना किया और इसके बावजूद भी एक सकारात्मक दिशा के अंदर प्रयास से बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी लगी। कुछ ताकतों ने बाड़मेर के रिफाइनरी की जगह को लेकर विवाद किया कि किसी तरह से विवाद हो और ये प्रोजेक्ट और देरी से हुए। वही ताकतें सफल रही कि 5 साल तक रिफाइनरी की स्थापना बाड़मेर के अंदर दी और वही ताकतें लगातार विवाद करती जा रही है और हम लोगों के परिवार के लोगों को अज्ञानता के कारण उनको यही पता नहीं चल रहा है कि वो खुद उनके लिए टूल और माध्यम बनते जा रहे हैं। उदाहरण देना चाहता हूं, एक अस्पताल के लिए सीएसआर के निर्माण के लिए जब फैसला होना था तो हम लोगों के परिवार के लोगों को उन्होंने टूल बनाया और विवाद किया कि ये अस्पताल क्या बनना चाहिए, अस्पताल क्या बनना चाहिए। उनके पीछे उनका मूल मकसद और मंशा क्या थी? मूल मकसद और मंशा ये थी कि 2.5% जो हम लोगों का हक और अधिकार था सीएसआर के माध्यम से, वो फैसला उन लोगों ने पीछे से केंद्र सरकार से 0.25% करा दिया, 10 गुना हम लोगों को कम दिया और कम देने के लिए विवाद किससे कराया, हम लोगों के माध्यम से कराया। ये मुझे उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं, एक लंबा सफर हम लोगों को तय करना, लंबा सफर हम लोग जागृति से तय कर पाएंगे, लंबा सफर हम लोग आपस में सामंजस्य से तय कर पाएंगे। दुनिया ये कोशिश करेगी किसी न किसी प्रकार का विवाद हो, उन विवादों का हर विवाद का हल है, समस्याएं बहुत है पर ये तमाम समस्याओं का हल हम सब लोग मिलाकर करेंगे। आज जोधपुर के इंडस्ट्री एरिया से गंदा पानी हम लोगों के यहां आ रहा है, सिर्फ विवाद नहीं आ रहा वहां के लोगों से, वो गंदा पानी हम लोगों के यहां आ रहा है। एक दिशा तो यह कि वो विवाद हम लोग यहां करें और हमारे बीच के अंदर माहौल खराब करें और दूसरी दशा यह है कि उस समस्या का समाधान हल हम लोग के करें। इस तरह से सैकड़ों हम लोगों की समस्या है, लाखों करोड़ों कदम हम लोगों के आगे बढ़ने हैं, हम लोग सामंजस्य कैसे बैठाए, सबकी जयकारा होनी चाहिए। बालोतरा के प्रत्येक नागरिक की जयकारा नहीं होगी तो बालोतरा की जयकारा नहीं होगी, एक व्यक्ति की जयकारा एक सोच की जयकारा से बालोतरा की जयकारा नहीं होगी। हम सब लोगों को प्रण लेना चाहिए कि बालोतरा की जय हो, उस बालोतरा की जय के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई भी जाति कोई भी विचारधारा कोई भी धर्म कोई भी संस्था पीछे नहीं रहे। आओ सब मिलकर इस बालोतरा को एक सर्वश्रेष्ठ जिला हम लोग बनाए जो पीढ़ियों से हम लोगों के। मैं आज इस समय अभय सिंह जी राजपुरोहित जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, मैं मेवालाल जी मेहता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हजारों लाखों लोगों का जो उनसे योगदान रहा है उन तमाम लोगों को मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं। आओ हम सब मिलकर इस बालोतरा को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाए और सर्वश्रेष्ठ जिला बनाने का जो जिम्मेवारी है बालोतरा के तमाम नागरिकों को है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।